Hello everyone, myself Dikshit Kumar from Little Angel Senior Secondary School Ganoda. एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पर. और आज हम ऐसा वीडियो लेकर आ रहे हैं जिस टास्क को हमने हमारी ऑनलाइन क्लासेस के दौरान ही बच्चों को दिया था. जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10th साइंस की ऑनलाइन क्लासेस की. मैंने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लास पार्ट 1 के दौरान एक टास्क दिया था जो था एसिड बेस इंडिकेटर से रिलेटेड. जी बिल्कुल, टास्क था कि एक एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हुए एक छोटा सा प्रोजेक्ट का वीडियो बनाना था. और मैंने कहा था कि आप उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हम तक भेजें. और जैसी हमारी कमिटमेंट थी और हमने कहा था कि सबसे पहले जो वीडियो हमारे पास आएगा उसे हम हमारे YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे. तो जब बिल्कुल लगभग बहुत सारे बच्चों ने ये वीडियोस बनाकर भेजे हैं, कई सारे बच्चों का प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा था. जैसे कि मैं कुछ बच्चों के नाम यहाँ पर याद आ रहे हैं मुझे, जैसे कि हर्ष पाटीदार ने ये वीडियो बनाया था क्लास 10 से, उन्होंने हमें वीडियो बनाकर भेजा है. दिव्यांशी चंद्रावत ने भी हमें ये वीडियो बनाकर भेजा है. हर्ष पाटीदार, दिव्यांशी चंद्रावत, स्विनी टेलर ने भी हमें वीडियो बनाकर भेजा है. तनिष्क पंड्या ने भेजा है. बहुत सारे बच्चों ने जिनके एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे थे उन सब ने बच्चों ने वीडियो बनाए हैं और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ बनाए हैं. तो एक बार मैं उन सभी बच्चों को जिन्होंने हमें वीडियोस बनाकर भेजे हैं उन सभी को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमारे द्वारा दिए गए टास्क को बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया. साथ ही अब मैं बताता हूं कि सबसे पहला वीडियो हमारे पास किसका पहुंचा. तो सबसे पहले जो वीडियो हम तक पहुंचा वो पहुंचाया कल्पक एवं हनी जैन. इन दोनों भाई बहन ने सबसे पहले वीडियो को हम तक पहुंचाया और अपने वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से इस टास्क को पूरा किया है. तो अब मैं आपको उस वीडियो से रूबरू कराने जा रहा हूं जिसके अंदर इन्होंने अपने टास्क को बखूबी तरीके से पूरा किया है. तो आइए देखते हैं उनके वीडियो. हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ कल्पक जैन. माय नेम इज हनी जैन. वी आर फ्रॉम द लिटिल एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनोड़ा. टुडे वी आर गोइंग टू मेक एन एक्सपेरिमेंट. एज वी नो ऑल इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द क्रिटिकल सिचुएशन व्हिच इज कम टू नोन एज कोरोना. सो इन दिस क्रिटिकल सिचुएशन आवर टीचर इज गोइंग टू टीच अस द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ केमिस्ट्री. सो इन दिस ऑनलाइन क्लासेस वी हैव गॉट अ टास्क in which we have to do an experiment. So this task was given by our teacher Dikshit sir. So in this task we will indicate the substance is whether acid or base. So in this task we have the elements which is come to known as turmeric, the natural indicator. Its work and its role plays as natural indicator the soap water and the lemon juice. As we know the lemon juice is acid and the soap water is base. So we are going to indicate it. So first we are going to add the soap water is any substance in it. So it is a bowl. We are going to add soap water. The soap water is added as you can see. After that we will add some turmeric as a natural indicator. As you can see here is a turmeric is added. So we do not know that the what is the soap water. So we, now after the adding turmeric we have know that turmeric the soap water is acid because the turmeric natural color is yellow, but we get the color on adding the both substance red. So here we get the red color. After this situation we have to make the natural color of turmeric yellow. So it will neutralize this solution. So after adding the lemon juice in it, it will neutralize. As you can see, after adding the lemon juice in it, the turmeric color is had come. First we had added the soap, then after we had added the turmeric, both will react with each other and we get the production the red color of turmeric. And then after lemon juice is added, so you can see that we have got the red color, turmeric natural color. So as you can see, this is a reaction of neutralization. So ये जो reaction की है हमने उसका हमारी दैनिक जीवन में भी उपयोग है. जिस प्रकार एक मधुमक्खी जिस प्रकार हमें काटती है,
तो मधुमक्खी के काटने के पश्चात हमें दर्द होता है, तो क्या करती है, एसिड रिलीज करती है। मधुमक्खी जब एसिड रिलीज करती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का उपयोग लेते हैं। वो बेस क्या है, चूना। तो जैसे ही हम चूना लगाते हैं तो उससे ठीक हो जाता है, हमें जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। तो इस प्रकार के दैनिक में जीवन में भी हमें ये उपयोग देता है। जैसे हमें जो कपड़े के ऊपर दाग लग जाता है या फिर किसी भी चीज के ऊपर दाग लग जाता है बेस का, तो वो दाग लगने के बाद जो हम लेमन घिसते उस पर, लेमन वो बेस था, बेस का दाग लग जाता है, उसके बाद हम लेमन घिसते हैं, लेमन एसिड रिलीज करता है, एसिड होता है लेमन में, तो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन फॉर्म करते हैं, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। तो इसका, इस एक्सपेरिमेंट का दैनिक उपयोग भी बहुत सारा है, तो हमें इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। थैंक यू।